हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट माय 3 मंथ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीडियो को बनाने के पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। पहला, आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट दिस जर्नी फॉर माय सेल्फ एंड फॉर माय फ्यूचर सेल्फ, ताकि मैं फ्यूचर में देख के याद कर सकूं कि आई टुक अ डिसीजन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ दैट चेंज माय लाइफ। दूसरा, टू शेयर दिस टू एवरी वन आउट देयर, एंड आई डोंट नो ये किस तरह से, कितना आवाज कर रहा है यार। दूसरा, टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद एवरीवन आउट देयर, एंड आई डोंट नो ये वीडियो किस तरह से किसकी हेल्प करेगी, बट आई थिंक दिस वीडियो कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। सो व्हाई आई डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, कि क्यों आप क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो। और आपके पास ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन करने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट टू शो ऑफ या किसी लोगों को दिखाने के लिए आप ये सब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, सो बहुत जल्दी यू विल क्विट, बिकॉज पीपल रियली डोंट केयर हाउ यू लुक। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इनफ रीज़न होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर आप थोड़े टाइम बाद क्विट करने का सोचो, यू फील लाइक कि नहीं यार मुझे अब इतना इंटरेस्ट नहीं है, आई वॉन्ट टू क्विट। सो तब आप वो रीज़न को रिमाइंड करो कि दिस वॉज द रीज़न आई स्टार्टेड डूइंग दिस। सो वो रीज़न अगर स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आप क्विट नहीं करोगे एंड आई यू विल कंटिन्यू योर जर्नी। सो यू शुड हैव अ गुड इनफ रीज़न, जो एक इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न हो दैट विल ड्राइव यू थ्रू द टाइम जब आप क्विट करना चाह रहे हो। और मेरा घर ना मेन रोड के जस्ट सामने, तो पता नहीं कुछ तो भी अभी कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, सो ट्रैफिक का नॉइज़ और ये अनाउंसमेंट पता नहीं इधर पूरा चलता रहता है। This is what it is. The reason for me was I was a pretty skinny kid, और पूरे मेरे childhood I was pretty skinny, and till then I grown up I was pretty skinny, and जब मैं कपड़े लेने जाता था I used to go with my father, and जब मैं jeanses purchase करता था ना, they don't used to fit me well, और मुझे वो tailor से alter करानी पड़ती थी in order to wear them, and उस वजह से I lost a lot of confidence, मैं बहुत ही under confident हो गया था, and I used to feel weird in front of people just because I don't look well in front of them. So this was the reason, and I just wanted to change myself. मेरे पास एक time था जब I was not doing much, ठीक है, चीज़ें online चल रही थी, so I just took a decision कि I just want to do it, this is the time, and you just need to do it, and आपके पास बस ऐसा एक strong reason होना चाहिए कि you just want to do it and then you will do it. Sharing my experience during the transformation, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे important चीज़ होती है एक transformation में, वो होती है कि you need to step out from that comfort zone, कि यार नहीं, you have to get up, you have to hit the gym every single day, no matter what happens. So this is the most important thing. आपको gym जाने से पहले ही जो diet होती है, जो workout होता है, उस चीज़ के बारे में overthink करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप दिन आगे बढ़ेंगे, यू विल गेट बेटर एट इट, बिकॉज सभी स्टार्टिंग में बिगिनर होते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आपको अपनी डाइट पूरी तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन दैट केस ना आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे, इसके बहुत हाई चांसेस है, बिकॉज आप एक यूज़ टू हो एक तरह की डाइट लेने से, एंड टेकिंग अ टोटली डिफरेंट डाइट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप YouTube से या कहीं से भी देख के एक डाइट चार्ट तो बना लोगे, बट उसको फॉलो करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पॉइंट टू पॉइंट। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एवरी सिंगल कैलोरी इन द स्टार्टिंग, आपको स्टार्टिंग में बस ये ध्यान देना है कि यू नीड टू ऐड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट, यू नीड टू ऐड थिंग्स टू योर रेगुलर रूटीन, यू डोंट नीड टू चेंज इट। अगर आप उसे पूरा चेंज कर दोगे ना, तो आप उसे 4 दिन 5 दिन 6 दिन फॉलो कर लोगे, बट उसके बाद आप ना उस चीज़ से परेशान हो जाओगे, यू विल नॉट एबल टू फॉलो इट। सो आप उसे पूरी तरह से चेंज मत करो, जस्ट ऐड लिटिल बिट डेली टू इट, एंड विद इन अ मंथ आपकी डाइट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप उसमें बहुत चीज़ें ऐड कर देना, प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड चीज़ें उसमें ऐड करो यार, उसे पूरा चेंज करना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। पीपल विल जज यू, लेट देम जज, एंड यू डोंट हैव टू गिव इट अ सेकेंड थॉट ऑल्सो। You have to start your journey alone.
एंड एक जिम पार्टनर होना एक काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी हेल्पफुल होता है. बट फॉर द स्टार्ट अगर आपका कोई साथी नहीं है या फिर कोई पार्टनर नहीं है, सो यू हैव टू स्टार्ट इट अलोन. जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड अलोन एंड अभी मेरे साथ फैजान वर्कआउट करता है. बट उससे पहले व्हेन आई स्टार्टेड, स्टार्टिंग के दो मंथ आई वाज वर्किंग आउट अलोन. आई मेड सम फ्रेंड्स देयर, मेरी पहचान हुई एंड आई वाज टोटली ओके विथ इट. आई वाज एंजॉयिंग माय वर्कआउट्स, पीपल यूज टू हेल्प मी, आई यूज टू हेल्प देम. सो आप ओवरथिंक मत करो एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट. अभी जिम जाने का टाइम हो रहा है एंड मैं आज आपसे अपना वर्कआउट रूटीन शेयर करने वाला हूँ. सो आई फॉलो अ पुश पुल लेग्स वर्कआउट, जिसमें आज मेरा मंडे है, पुश डे. सो पुश डे आपसे मैं अपना शेयर करने वाला हूँ. सो डेफिनेटली आपसे जिम में मिलते हैं. Life's a competition, so if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside, a bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life that's making you feel that fire, go fight for her man, go die for her man, cause you only have one life, one chance to do it, one chance to prove it to yourself, self, so don't lose it. You got this fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. You're gonna get better. Yeah, things are gonna get better real soon. You're gonna get better. Yeah, I'ma just do me, you just do you. You're gonna get better. I swear it's gonna get better real soon. You're gonna get better. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose. 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 For a beginner, taking a protein shake can help you hit your protein goals easily. अगर आप normal day diet में देखेंगे तो आप उतना protein नहीं खा पाएंगे जितना आपकी body को required है. So, एक protein shake starting में लेना can help you in a lot of ways. And मैं use करता हूँ MyFit Fuel का protein और इसके पहले मैंने एक PowerS का protein use किया था. दोनों ही बिगिनर लेवल के प्रोटीन शेक है. ये वाला शायद मेरे ब्रदर ने मेरे को एक रेकमेंड किया था. सो आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम लाइक एक महीना होने वाला है इसको यूज़ करते करते. सो माई फिट फ्यूल का प्रोटीन मुझे काफ़ी पसंद आया एंड आई एम यूजिंग लाइक अ वेनिला फ्लेवर और इसके एक स्कूप में 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस वन. और इसका फ्लेवर एंड टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है एंड मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट डेफिनेटली टेकिंग प्रोटीन शेक कैन हेल्प यू अ लॉट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं सो डेफिनेटली आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.